हम हर साल अपने घर को दिवाली में सजाते हैं, कुछ चीज़ें खरीद लाते हैं और कुछ चीज़ें जो घर पे होती है उसी से घर को डेकोरेट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ DIYs शेयर करूँगी जो बहुत ही बजट फ्रेंडली है और अच्छी है, आप भी श्योर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग कॉर्नर। तो जैसे कि सबको पता है दिवाली इज कमिंग सून, सो आई एम बैक विथ अनदर फेस्टिव DIY वीडियो। तो जब भी हम फेस्टिवल की बातें करते हैं तो हमारे सामने और सबसे पहले आते हैं कैंडल, लाइट्स और लैम्प्स। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ DIYs बनाई हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगी इस वीडियो में। बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोज लाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फॉर द फर्स्ट DIYs के लिए मैंने लिया है एक कार्टन बॉक्स। आप कोई भी कार्टन बॉक्स सिमिलर टाइप का यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैंने कुछ इस तरीके से पेंसिल मार्क यहाँ पे कर लिया है। जो अंदर का पोर्शन है उसे हमें कट कर लेना है, तो कट करने के लिए हमें यहाँ पे नाइफ कटर की ज़रूरत है। इस तरह से हमें नाइफ कटर से इसे कट करके अंदर की साइड को हमें रिमूव कर देना है। आप चाहे तो क्राफ्ट कटर का भी यूज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से दिखेगा। तो बॉटम में हम कुछ इसे फिक्स करेंगे, तो फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लेंगे। इस पोर्शन को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो इसे हम ग्लू से यहाँ पे चिपका देंगे। अंदर की साइड में हमें बल्ब और होल्डर लगाना है, तो इसे अच्छा स्ट्रॉन्ग हमें बनाना है। नीचे में हमने कार्डबोर्ड को फिक्स कर दिया है एंड जो अदर साइड है, ऊपर की जो साइड है उसे हम कट कर देंगे और रिमूव कर देंगे। कट करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब नेक्स्ट, नीचे की साइड में हमें वायर डालने के लिए यहाँ पे किसी शार्प चीज़ से हमें होल कर लेना है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें वायर पास कर लेनी है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक फैब्रिक, आप चाहे तो गिफ्ट रैप पेपर या कोई भी कलरफुल प्रिंटेड पेपर यूज कर सकते हैं, या फिर आप सेलोफेन पेपर भी यूज कर सकते हैं। अब हम इस फैब्रिक को यहाँ पे स्टक कर देंगे, तो कोई भी फैब्रिक ग्लू आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सिंपली हम इसके ऊपर से इसे रैप करेंगे। आप चाहे तो इसे स्टेपल भी कर सकते हैं, बहुत ईजीली ये बन जाएगा। एक्स्ट्रा पार्ट को हम निकाल देंगे। जो पीछे की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे भी कट करके हम अंदर की साइड में फोल्ड कर देंगे या स्टक कर देंगे पीछे की साइड में। तो इसे फेस्टिव लुक देने के लिए हम यहाँ पे कुछ लेस यूज करेंगे। इस तरह से मैं ऊपर की साइड में एक लेस लगाऊंगी और नीचे की साइड में एक टैसल वाली लेस जो मेरे पास में थी वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। इस लेस को आप यहाँ पे फिक्स करने के लिए कोई भी ग्लू, फैब्रिक ग्लू या फिर स्टेपल का यूज कर सकते हैं, इजीली ये हो जाएगा।
और कुछ इस तरह से बहुत ही प्यारा सा हमारा लैंटर्न रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट डीआईवाई के लिए लिया है हमने बोरोसिलिकेट ग्लास, आप चाहे तो कोई भी कंटेनर यूज कर सकते हैं। तो इसे भी हम डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे लेस लेंगे और इसे आप चाहे तो ग्लू गन से या सिलिकॉन ग्लू से यहाँ पे स्टक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टक नहीं करूँगी, सिंपली इसे यहाँ पे किसी सिंगल थ्रेड से इसे बांध दूंगी। तो ये भी हमारा क्विक DIY रेडी हो चुका है, बहुत ही प्यारा सा DIY हमारा बन के रेडी है। नेक्स्ट DIY के लिए लिया है हमने यहाँ पे एक पूजा का आसन, इसके पीछे की साइड में हम लगाएंगे एक प्लास्टिक मैट, आप चाहे तो कोई भी कार्डबोर्ड यूज कर सकते हैं इसे स्ट्रांग बनाने के लिए, क्योंकि हमें इसे ऑथेंटिक वॉल डेकोर बनाना है और हम इसे हैंग करने वाले हैं। तो सिंपली हमें यहाँ पे इसे स्टक कर देना है। एक्स्ट्रा के मैट को हम कट कर देंगे, इस तरह से हमें कट कर देना है। इसे हमने चारों तरफ से अच्छे से फिक्स कर लिया है, स्टेपल कर लिया है, आप चाहे तो कार्डबोर्ड के ऊपर इसे स्टक कर सकते हैं। इस आसन के ऊपर के जो ग्लास गिर गए थे तो हमने इसे भी स्टक कर दिया है। थोड़े कुंदन हमने इसमें यूज किए हैं, स्टोन्स इसमें यूज किए हैं। इसे हम वॉल के ऊपर हैंग करने वाले हैं, तो हम कुछ टैसल्स इसमें लगाएंगे, इस तरह से हम इसे फिक्स कर देंगे। मैंने यहाँ पे कौड़ी यूज किए हैं, आप चाहे तो बीट्स यूज कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा एथनिक वॉल डेकोर हमारा रेडी हो चुका है और इसे हैंग करने के लिए पीछे की साइड में हम एक लेस लगाएंगे। वॉल हैंगिंग के बैक साइड में हम यहाँ पे हैंग करने के लिए एक लेस यूज करेंगे। तो इस तरह से हमें लेस को फोल्ड करके यहाँ पे स्टक कर देना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली स्टेपल कर दूंगी, बस हमारा वॉल हैंगिंग, क्विक वॉल हैंगिंग रेडी हो जाएगा। आज की इस वीडियो में जो भी आपको बैकग्राउंड में आवाज आ रही है उसको आप इग्नोर करते हुए आज की वीडियो को बहुत सारी लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।